विश्व प्रसिद्ध मेले के रूप में पहचान बनाने वाले श्रावणी मेले को लेकर बड़ी खबर है। सैकड़ों साल से देवघर में लगने वाले मेले पर ग्रहण लग गया है। आपको बता दें कि सावन 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और इन महीनों में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर यहां आते हैं, लेकिन इस साल शिव भक्तों को निराशा हाथ लगने वाली है। दरअसल कोरोना संकट के बीच इस बार बाबा धाम में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसे लेकर झारखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक सभा समागम आदि पर रोक लगा रखी है, ऐसे में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सकता। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री देवघर श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भी देवघर श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में संभावित खतरों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संक्रमण के फैलाव को लेकर केंद्र की ओर से लागू लॉकडाउन की वजह से देवघर में बंद पड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ कामलिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट को लेकर ये स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक वन के साथ देश के प्रायः बड़े धार्मिक स्थलों में आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने के बावजूद देवघर के बाबा मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज से लेकर 105 किलोमीटर दूर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी बैद्यनाथ धाम तक लगातार एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले को लेकर जहां हर साल अभी तक लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली जाती थी, वहीं इस साल तैयारियां शुरू तक नहीं की जा सकी है। टेंडर, रूट चार्ट, शिविर और बैरिकेटिंग के काम से लेकर हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को एक महीने पहले से प्रतिनियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना के संक्रमण के खौफ से ऐसी कोई तैयारी अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं से लेकर भागलपुर में भी तैयारियां नहीं की जा रही हैं। इस बारे में भागलपुर डीएम ने कहा कि अभी तक देवघर प्रशासन की ओर से मेले को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि मेला होगा या नहीं, जल्द ही वे इसकी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि देवघर में हर साल 6 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसको रोक दिया गया है। भक्तों को अब अगले साल का इंतजार करना होगा। लाखों की तादाद में यहां भक्त हर साल जलाभिषेक करने आते हैं और बाबा से मन्नतें मांगते हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।